उज्जैन के माधव नगर थाना क्षेत्र में आने वाले देसाई नगर में रहने वाला शुभम पिता राजकुमार मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने उसे रोक लिया और दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दिखा पाया और पुलिस को गुमराह करने लगा। तब पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार किया और थाने पर लेकर उसे पूछताछ की, जहां पर सख्ती के साथ पूछताछ करने पर उसने वाहन की चोरी की वारदात में शामिल होना कबूल किया है। और फिर शुभम के घर के अंदर चुरा कर रखी गई 4 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त किया, प्रकरण दर्ज किया है। फिर पूछताछ की और शुभम ने लॉकडाउन के दौरान चोरी करना शुरू कर दिया और फिर चोरी कर गाड़ियों को सस्ते दाम में बेचने का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है और इस चोर युवक पर और करीब कितने वाहन कहां कहां बेचे हैं और किन किन ने इससे खरीदे हैं, सभी विषयों पर पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला दर्ज करने के बाद फिलहाल जो गाड़ियां जब्त की गई है पुलिस के द्वारा उसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तो फ्रेंड्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।